इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद के रामपुरी में स्थित बॉडी बिल्डिंग नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम गाजियाबाद के रामपुरी में स्थित मसल्स वोल्टर्स जिम में, जहां पर 1 मई 2022 को गाजियाबाद के चंदर नगर क्लब में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें मसल्स वोल्टेज जिम के बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पोजीशन हासिल की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सुनील जी, आपने नॉर्थ इंडिया में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और गोल्ड मेडल जीता है, तो आगे आप किस स्तर पर खेलना चाहते हैं और गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आगे तैयारी कर रहा हूँ अभी गेम की, और मैं सोचता हूँ कि मैं गेम खेलता ही रहूँ, मेरा गेम से रिलेटेड है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गेम खेलता हूँ। तो आगे भी मेरी कल एक कंपटीशन है जिसमें मैं खेलने जा रहा हूँ, अभी देखो उसमें क्या होता है, ये तो खैर अभी तो कुछ पता नहीं है, वहाँ गेम खेलने के बावजूद ही पता चलेगा। वैसे तो कल ही खेलने जा रहा हूँ शाम को, और ये हमारे भैया हैं जो तैयारी कराते हैं, इनके वजह से मैं सारा गेम अभी खेल पा रहा हूँ, इनका हाथ है मेरे सर पे। किस तरह से आपको मोटिवेशन मिलता खेलने के लिए कि आगे हम और प्रेरित होना, खेलने के आगे प्रेरित होना है और गोल्ड मेडल जीतना है, समाज का नाम रोशन करना है, घर वालों का नाम रोशन करना है? जी, घर का नाम रोशन करना है, जिम का नाम रोशन करना है हमें तो, और रही बात मतलब यार दोस्त कुछ ऐसे हैं जो सपोर्ट करते रहते हैं कि गेम खेल, और मुझे भी अच्छा लगता है, लोग बाहर मुझे पूछते रहते हैं भाई आप गेम खेलते हो, मुझे तैयारी कराओ। अच्छा लगता है जब कोई बाहर आपको अगर अच्छा बोलता है, अच्छे रहोगे तो अच्छे दिखोगे। देखो एक नशे पत्ती की चीज़ होती है, उसमें बंदा बर्बाद हो जाता है, नशा करता है, नशा करोगे यहाँ घूमोगे वहाँ टोगे भाई नशेड़ी है, ऐसा वैसा नहीं है। जिम के लाइन में रहोगे इससे हमें बाहर इज्जत मिलती है, और यहाँ भी इज्जत मिलती है, बाहर भी मिलती है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कि जो आपको खेलना गेम खेलो, अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। हमारे साथ रोहित जी हैं जिन्होंने नॉर्थ इंडिया कॉम्पिटिशन में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सेकेंड पोजिशन हासिल किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह आपने ये कामयाबी हासिल की, किस तरह संघर्ष किया जो आपने इतनी कम समय में ये अचीवमेंट हासिल की है? ये गुरु जी की वजह से, मैं तो इतना जानता भी नहीं था, मैं इसने सपोर्ट करी थी, ये मेरे साथ रहता है, ये लेके आया था मेरे को 6 महीने हो गए मेरे को जिम करते करते, और गुरु जी ने कहा हाथ मेरे साथ, ये इतना ही बस। कितने घंटे आप वर्कआउट करते हैं, डाइट लेते हैं कि आपको इस स्तर पे आपने अचीवमेंट हासिल की, तो कितने घंटे आपने वर्कआउट किया, कितनी मेहनत की, वो थोड़ा बताइए आप। 2 घंटे मेहनत करता हूँ मैं, पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ कभी कभी मारापुर से, फिर जाता हूँ 10 बजे यहाँ से बस। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है कि आप अपने ये अचीवमेंट, ये जो ट्रॉफी है आपने हासिल की है? ये गुरु जी की वजह से। दिलीप जी, मैं बताता हूँ, रोहित मेहनती बहुत था और इसकी लगन भी थी, मतलब एक मकाम हासिल करना था, वो जुझारू पहले से ही था बचपन से, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। बस मैंने सिर्फ इतना किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, बाकी मेहनत इनकी अपनी है, लगन इनकी अपनी है, यहाँ तक कि आप ये देखिए कॉम्पिटिशन के टाइम पर पानी भी छोड़ना पड़ता है, वो एक जो साधुवाद जो इनका है, जो एक साधु की ज़िंदगी जीने का और जो जज्बा वो इनका अपना है, बस ये जज्बा बना रहे और ये गेम में और आगे जाएं, आपके लिए, अपने देश के लिए। आज नॉर्थ इंडिया में मेडल लेके आए हैं, कल ये इंडिया और एशिया और वर्ल्ड के मेडल आपको खुशखबरी दें, यही मैं चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मसल्स वोल्टेज जिम के जो बच्चे हैं रोहित और सुनील, जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड स्तर हासिल की है और अपने अपने जो समाज, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। दिलीप कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।